हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके लिए एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इस मूवी की टाइमलाइन 22nd सेंचुरी की है, जो कि आज के समय से काफी आगे का वक्त है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जब क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती पर रहना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इंसानों ने रहने के लिए स्पेस में 80 शेल्टर्स बनाए, लेकिन इनमें से 3 शेल्टर्स ऐसे हैं जो अपने आप को एड्रियन रिपब्लिक कहते हैं, जो अर्थ पर और दूसरे शेल्टर्स पर हमला करते हैं। इसीलिए एड्रियन रिपब्लिक और दूसरी फोर्स यानी कि एलाइड फोर्स के बीच सिविल वॉर चल रहा होता है। एड्रियन रिपब्लिक रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं और एड्रियन रिपब्लिक के हमला करने की वजह से एलाइड फोर्स भी रोबोट्स बना रही होती है। यहीं पर कैप्टन यंग ई को दिखाया जाता है, जो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो देखती है कि उसके सामने रोबोट्स हैं। वो उनसे लड़ती है और उनका सामना कर ही रही होती है कि तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा रोबोट आ जाता है, जो कि बहुत ताकतवर होता है। यंग ही उसका भी सामना करती है और उसे अपने ट्रैप में फंसा कर पत्थरों के नीचे दबा देती है, और अब वो उसे मारने ही वाली होती है कि उसकी नज़र एक गुड़िया पर पड़ती है, जिस वजह से उसका ध्यान उस रोबोट से एक पल के लिए हट जाता है। तभी वहाँ पर एक रोबोट गोली चलाता है, जो कि उसकी उंगलियों पर जाकर लगती है और उसकी 2 उंगलियां टूट जाती हैं। जब वो अपनी उंगलियों को देखती है तो उसे पता चलता है कि वो भी एक रोबोट है। ये देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और अगले ही पल यहाँ का सारा माहौल बदलना शुरू हो जाता है। अगले सीन में हमें एक लैब दिखाई जाती है और यांगी के पास बहुत सारे वैज्ञानिक आ जाते हैं, जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि यांगी हमेशा यहीं आकर रुक जाती है। पता नहीं हमेशा ऐसा यहाँ पर क्यों हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर उनकी लीडर आती है और कहती है कि यहाँ पर कुछ आर्मी ऑफिसर्स आ रहे हैं, इसलिए हमें ये एक्सपेरिमेंट यहीं पर रोकना होगा। दरअसल ये सारे लोग एलाइट फोर्स के लोग होते हैं और अब यांग ई को भी आर्मी ऑफिसर्स के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर उसके शरीर के हर एक पार्ट्स को अलग किया जाता है। अब यहाँ पर सीनियर ऑफिसर्स भी आ चुके हैं, जहाँ पर ये अर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं कि 40 साल पहले ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी रहने लायक नहीं रही। इसके बाद इंसानों ने स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में बहुत सारी कॉलोनीज बनाई और वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में जो लोग उन कॉलोनीज में रहते थे, उन्होंने अपने आप को एक अलग राज्य घोषित कर दिया और पृथ्वी से अब किसी को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। वहाँ केवल रोबोट्स हैं जो कि इंसानों से जंग करते हैं, और यांग ई जो कि एक रोबोट है, वो आज से कई साल पहले कैप्टन की पोस्ट पर थी और इंसानों के लिए जंग करती थी। वो अपनी कला में बहुत माहिर थी। उसने कई जंग इंसानों के लिए लड़ी थी और जब वो फाइनल बैटल में जीतने वाली थी, तभी वो कोमा में चली जाती है, जिसके बाद इस कंपनी ने उसके दिमाग का डेटा अपने पास रख लिया और उसी डेटा की हेल्प से अब उसके रोबोट्स बनाए जाते हैं, ताकि वो इंसानों को युद्ध में रोबोट्स के खिलाफ जीत दिला सके, जो अंतरिक्ष में कॉलोनीज में रहते हैं। इसलिए बार बार उसके रोबोट्स बनाए जाते हैं, लेकिन वो हर बार एक ही जगह पर आकर रुक जाती है। जिस दिन उसने उस जंग को जीत लिया, जिसे लैब में एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया जाता है, उस दिन ये असली की जंग भी जीत जाएगी। और यहाँ पर जो लीडर होती है, जो सब कुछ आर्मी ऑफिसर्स को बता रही होती है, वो कोई और नहीं बल्कि यंग ई की बेटी होती है। वही यंग ई के दिमाग को फिर से एक्टिवेट किया जाता है, और जब उसका दिमाग एक्टिवेट हो जाता है, तो वो देखती है कि वो एक रोबोटिक बॉडी में है और उसका शरीर अधूरा है। ये देखकर वो पैनिक होने लग जाती है। वो कहती है कि मैं अपने शरीर को महसूस नहीं कर सकती। यांग ई की बेटी जब देखती है कि उसकी मॉम पैनिक हो रही है, तो वो उसके दिमाग को अलग कर देती है, जिससे वो डीएक्टिवेट हो जाती है। क्योंकि यांग ई जब भी ये देखती है कि वो एक रोबोट है, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट बन चुकी है। अगले सीन में यांग ई की बेटी अपने एक साथी को बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे लंग्स की एक बहुत खतरनाक बीमारी थी। इसे ठीक करने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मेरी माँ हमेशा फाइट में जाया करती थी ताकि उन्हें पैसे मिल सके, और मेरी ही वजह से कहीं ना कहीं उनकी ये हालत है। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर लीडर छोटी बच्ची होती है और यांग ई उसके सामने होती है। दरअसल आज उसका ऑपरेशन होना होता है और उसे ऑपरेशन थिएटर के लिए छोड़कर यांग ई एक जंग के लिए निकल जाती है। अगले सीन में कहानी वापस प्रेजेंट में आती है,
जहाँ पर यंग ई की बेटी अपने डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर बोलता है कि बचपन में हमने तुम्हारा ट्रीटमेंट जरूर किया था लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और अब तुम्हारी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अगले 2 महीनों में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। डॉक्टर यंग ई की बेटी से कहता है कि तुम अपने सारे डेटा को यानी कि अपने माइंड को एक दूसरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रांसफर कर दो जिसके बाद तुम्हें सारे इंसानों वाले राइट्स मिल जाएंगे लेकिन तुम शादी नहीं कर पाओगी और ना ही अपनी मर्जी से कहीं भी जा पाओगी और तीसरा ये कि तुम अपने डेटा को किसी भी कंपनी को बेच सकती हो। इसके बाद कंपनी हो या गवर्नमेंट उन्हें पूरी आजादी होगी कि वो उस डेटा को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बदले तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। यांगी की बेटी वहाँ से चली जाती है जिसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर खुद भी इंसान नहीं बल्कि रोबोट होता है। अगले सीन में कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हमें यांगी की मॉम को दिखाया जाता है जिसके पास उस कंपनी के लोग आते हैं जिनके पास यांगी के दिमाग का पूरा डेटा होता है। वो यांगी की मॉम से कहते हैं कि तुम इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो, उसके बाद हम तुम्हारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे, उनकी बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्चा वो उठाएंगे। ये सुनने के बाद यांगी उस पर साइन कर देती है। अगले सीन में कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हमें लैब के डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि यांगी के ब्रेन पर अब भी एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और इस बार उसके ब्रेन का वो हिस्सा भी एक्टिवेट हो जाता है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। ये देखकर डायरेक्टर और उसके सभी साथी बहुत खुश हो जाते हैं और अब यांगी की बेटी और डायरेक्टर प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आती है जो बताती है कि प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं आएंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन है आप मुझे दे सकते हैं। अगले सीन में ये दोनों वापस लैब में आ जाते हैं जहाँ इन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट भी इनके लैब में आए हुए हैं और अब यांगी की बेटी प्रेसिडेंट के पास जाती है और उसके साथ डायरेक्टर भी होते हैं लेकिन डायरेक्टर अपने आप पॉज हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डायरेक्टर भी एक रोबोट है। प्रेसिडेंट यहाँ पर यांगी की बेटी को बताते हैं कि मुझे पता चला है कि ये वॉर जल्द ही खत्म होने वाला है, इसीलिए हमें सारे प्रोजेक्ट को खत्म करना होगा जिसमें हम ऐसे रोबोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक फाइटर रोबोट्स हैं, बल्कि इनके अलावा हमें ऐसे रोबोट्स बनाने चाहिए जो घर के कामों में हेल्प कर सके या फिर लोगों की सेक्सुअल नीड्स को पूरा कर सके और लोगों के साथ सेक्स कर सके। यहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने कैसे डायरेक्टर को रोबोट बनाया और फिर वो डायरेक्टर को एक्टिवेट करके वहाँ से चले जाते हैं। डायरेक्टर दोबारा यांगी पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है और उसके दिमाग को रोबोट के अंदर डालने के मिशन पर भेजता है, मगर वो फिर उसी जगह पर रुक जाती है जहाँ पर हमेशा रुक जाया करती थी। ये देखकर डायरेक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो सबको ऑर्डर्स देता है कि यांगी का एक हाथ काट दिया जाए। वो देखना चाहता था कि हाथ काटने से उसका येलो वाला हिस्सा एक्टिवेट होता है या नहीं जो इससे पहले एक्टिवेट हुआ था, मगर इसका कोई असर उस पर नहीं दिखाई देता। अब डायरेक्टर उसके पैर पर कई सारी गोलियां मारता है जिससे वो डीएक्टिवेट हो जाती है। अब वो यांगी की बेटी को उस रोबोट को एक्टिवेट करने को कहता है क्योंकि उसे सिर्फ वो ही एक्टिवेट कर सकती थी, मगर उसकी बेटी ऐसा करने से मना कर देती है। गुस्से में डायरेक्टर उस पर बंदूक तान देता है। तभी अचानक से एक ऑफिसर वहाँ पर आकर डायरेक्टर को बताती है कि प्रेसिडेंट उसे बुला रहे हैं। यहाँ यांगी की बेटी सभी से कहती है कि हम सबको ये एक्सपेरिमेंट बंद कर देना चाहिए। तभी कंपनी का एक आदमी वहाँ आकर उसे बताता है कि उसने उसकी माँ का एक और रोबोट बनाया है जिसके साथ वो सेक्स करता था, जिसे सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला दबाने लगती है। वो उसे बताता है कि ये हमने तीसरे नियम के हिसाब से किया है जिसमें ये लिखा था कि इस डेटा को किसी को बेचा जा सकता है और इस डेटा का इस्तेमाल करके कंपनी जो चाहे वो कर सकती है। अब यांगी की बेटी वहाँ जाती है जहाँ उसकी मॉम का रोबोट बना होता है, उसे एक्टिवेट करके फिर से उसी मिशन पर लाया जाता है और वो फिर से वहीं आकर रुक जाती है, लेकिन इस बार उसका येलो वाला हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। डायरेक्टर समझ जाता है कि उसे गोली नहीं लग सकती, ये उसकी या उसकी बेटी की चाल है जो इसे पूरा नहीं होने दे रही। अब यांगी वहाँ से किसी तरह भाग जाती है और एक कमरे में वो पाती है कि उसी के जैसे बहुत सारे रोबोट्स बनाए गए हैं मगर वो डीएक्टिवेट होते हैं। वहाँ पर दूसरे रोबोट्स भी आ जाते हैं और यांगी पर हमला करते हैं। वो पुलिस रोबोटिक आर्मी होती है, वो अकेले उनसे लड़ती है। उनमें से एक रोबोटिक आर्मी यांगी को मारने ही वाला होता है, तभी उसकी बेटी वहाँ आ जाती है और वो उसे बचा लेती है।
उसकी बेटी अपनी माँ का सारा डेटा निकाल कर दूसरे रोबोट्स में ले जाती है और उसे यहाँ से दूर ले जाने की कोशिश करती है। डायरेक्टर ये सब सीसीटीवी में देख लेता है और योंगी की बेटी पर हमला कर देता है। ये देख कर योंगी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारती है, जिससे उसकी आंखें फूट जाती है, जिससे उस डायरेक्टर को पता चलता है कि वो भी एक रोबोट है। और ये देख कर वो बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो ताकतवर है और अब वो लड़ सकता है। वो दोनों ट्रेन में होते हैं और लड़ते लड़ते ट्रेन के दो हिस्से हो जाते हैं और डायरेक्टर की खाई में गिरने से मौत हो जाती है और योंगी को उसकी बेटी आकर बचा लेती है और कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, बहुत सी रोबोटिक आर्मी यहाँ कभी भी आ सकती है। वो कहती है कि अब तुम आजाद हो और जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो, अब तुम्हें बार बार एक्सपेरिमेंट का दर्द नहीं सहना होगा। इसके बाद वो यहाँ से निकल जाती है और उसे माउंटेनस के बीच में दिखाया जाता है जहाँ पर वो पूरी तरह से आजाद है उस दर्द से जो उसका दिमाग हर बार झेलता था। और यहाँ पर कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।